चैनल सॉल्यूशन बाय सार्थक को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन पे भी टैप करें ताकि हमारे मोबाइल रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सार्थक एंड आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। दोस्तों, फाइनली मुकेश अंबानी ने सारी अफवाह और रूमर्स पे पर्दा हटाते हुए अपना जो जियो का फीचर फोन है वो लॉन्च कर दिया है आज सुबह ही मार्केट में। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 300 रुपये का फ़ोन है, 500 का है, 1000 का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक तरीके से देखा जाए तो ये फ़ोन आपको 0 रुपीज़ में ही पड़ने वाला है, क्योंकि आपको इस फ़ोन को लेने के लिए पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ही आपको फ़ोन मिलेगा। और उसके बाद जाके आप 3 साल बाद अगर ये फ़ोन आप वापस देने चाहोगे उसके स्टोर पर तो आपको 1500 रुपये वापस मिल जाएंगे जो आपने डिपॉजिट के लिए दिए थे। तो ऐसी कुछ बात सामने आई है। तो ये जियो का फ़ोन है, वो बेसिकली एक फीचर फ़ोन है और यहाँ पे आपको सारे जो बेसिक फीचर है वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा जो और किसी फीचर फ़ोन में नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है जियो के फ़ोन का। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे 4G इनेबल मिलेगा और यहाँ पे आपको उसके साथ कुछ 150 रुपये का 153 रुपये का कुछ प्लान मिलेगा, जहाँ पे आपको लोग तो कह रहे हैं अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। वहाँ पे आपको 500 MB पर डे का जो यूसेज है वो मिलेगा और सारी की सारी कॉल्स जो है अनलिमिटेड मिलेगी। तो ऐसी कुछ बात सामने आई है। और इसके साथ ही जो लोग जियो को यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन खरीदने वाले थे उनके पास भी अभी एक सस्ता वाला ऑप्शन आ गया कि वो अब जियो का फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन ये फ़ोन जो है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप 24 अगस्त से इसका जो बुकिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और उसके बाद जाकर आपको सितंबर से जो मोबाइल है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जियो के जो सिम कार्ड है वो वैसे ही आपको ये भी जो जियो की ऐप है या फिर जो रिलायंस के डिजिटल के स्टोर है वहाँ से आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो दर हर हफ्ते वो तकरीबन 50 से 60 लाख मोबाइल बेचेगा और ऐसे ही पूरे इंडिया में ये मोबाइल फैलते रह जाएंगे। और इसके साथ ही आप ये फ़ोन को जो है बड़ी स्क्रीन पे भी चला सकते हैं कनेक्ट करके, जैसे कि आपका टीवी हो गया। उसके लिए आपको 309 रुपये का जो है पैक लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली वो उसको अपने कोई भी पुराने LCD या वो टीवी से आप कनेक्ट करके वहाँ पे भी आप लाइव सोर्स देख पाएंगे। तो उम्मीद है ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, शायद नोकिया 3310 को भी टक्कर दे ले। और अगर ऐसा हुआ तो ये फ़ोन आज तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फीचर फ़ोन बन के रह जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी जियो के बारे में डिटेल्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर, और आने वाली अपडेट्स पाते रहिए जियो के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।